भारत बांग्लादेश की सीमा से 10-12 किलोमीटर पर मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में बेलपारी एक शांत सुंदर गांव। इस परिसर में कोच, हजांग, राभा, गारो आदि जनजाति के लोग बसे हैं। आदिवासी संस्कृति का ये इंद्रधनुष बड़ा ही लुभावना है। ये इलाका शहर की सुविधाओं से वंचित है। यातायात के साधन यों तो ही है। यहाँ बारिश भी ऐसे जम के होती है कि कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गांव के बच्चे इसका बड़ा आनंद लेते हैं। विद्या के साथ अच्छे संस्कार प्रदान करने वाले स्कूल की यहाँ नितांत आवश्यकता है। 1993 में विद्या भारती का एक स्कूल बेलपारी में बालवाड़ी के तौर पर चलने लगा। आज बेलपारी का ये विद्यालय 10वीं कक्षा तक 300 विद्यार्थियों के साथ चलता है। संलग्न छात्रालय में 100 छात्र हैं। इस परिसर के 60 देहात विद्यालय का लाभ उठाते हैं। सर पे रुमाल रखा नीचे करो। ब्रह्मनाथ आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। भी कार्यक्रम की सफलता के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। एकदम खेल खेलते हुए और पूरा पसीना आया हुआ है, तुरंत जाकर के स्नान नहीं करना, पानी नहीं पीना। खेल कूद की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन सबकी नजर है अध्यापक और छात्रों के बीच होने वाले कबड्डी मैच पर। Yeah.
छात्रों ने समारंभ की सारी तैयारी बड़ी मेहनत से पूर्ण की। अच्छे विद्यालय के लिए पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला एवं कंप्यूटर कक्ष मय कंप्यूटर के चाहिए, प्रशिक्षित स्टाफ भी चाहिए। तो आजकल क्या है, दुनिया में पर्यावरण के ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही है ना। तो हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अभी परिस्थिति यह है कि एक दानदाता ने 1,00,000 रुपया विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण क्रय करने के लिए दिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो कक्षे ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से कक्षाएं इधर उधर लग पा रही हैं। हे भगवान, आज हम बिना पूछे दुकान पर गए, हॉस्टल से बाहर गए। स्कूल के शिक्षक छात्रों के माता पिता से संपर्क रखते हैं। हाँ, स्कूल भालो करे सुनचे, ये वहाँ ठगले बच्चा गले भालो हो बोल। विद्यालय को मिलने वाला सरकारी अनुदान पर्याप्त नहीं है और वो समय पर मिलता भी नहीं। कई बार राहुल जी जो वार्डन हैं, छात्रावास के रेशन के बारे में चिंतित रहते हैं। ये है रामदा कोष का दुकान, जहां से छात्रावास के लिए रेशन खरीदा जाता है। कई बार इनके दुकान में 2,00,000 तक उधारी हो जाती है। राहुल जी सोचते रहते हैं कि कल अगर रामदा ने उधारी बंद कर दी तो 100 बच्चों को क्या खिलाएंगे। धन की आवश्यकता तो है ही, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, हमें निरंतर प्रयास करना होगा। बेलबारी का ये विद्यालय हिम्मत और आत्मविश्वास पर ही चलता है, और ये विश्वास बुलंद होता है अनेक दाताओं के सहयोग से। विश्वास और सहयोग का ये दीप सदा प्रज्वलित रहे।